genuinely, I mean, I totally believe in the term called ki, you cannot glorify the term called divorce. India एक ऐसा देश है, हर एक देश की ना कुछ कुछ कल्चर होता है. हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, हम अपनी जड़ों को ख़त्म नहीं कर सकते. आज अगर मैं बात करता हूँ आयुर्वेदा, आज मैं बात करता हूँ योगा, ये हमारे देश का एक, ये हमारे देश की देन है. तो हम लोग को प्राउड है. आज पूरी दुनिया बात करती है, इंडिया जाओ योग सीख के आओ, इंडिया जाओ आयुर्वेद सीख के आओ. तो हमने देश को ज्ञान दिया. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ नॉलेज. तो जब हम बात करते हैं ज्ञान की, जब हम बात करते हैं नॉलेज की, तो हम एक गलत मैसेज ज्ञान के रूप में नहीं दे पाएंगे. जब हम बात करते हैं ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जब वो बैठते हैं, खैर दो लोगों को आज़ादी है बोलने की, कोई शक नहीं है उसमें, बट जब आप पब्लिक फिगर है, यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या बोल रहे हो. सर शादी मजाक नहीं है. फैमिली कोर्ट में कभी आप आइए, एक मियाँ बीवी का जब डिवोर्स होता है, और ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन मार्क भी मेरा, कि जब दो इंसान साथ में रह के खुश नहीं है, ठीक है आपको हक है, लेकिन कैसे आप ये पेश कर सकते हो कि वी आर फ्रेंड्स, बहुत प्यार है, हम लोग बहुत खुश हैं, इतना प्यार थी आप में, इतनी मोहब्बत थी, तो आप डिवोर्स क्यों ले रहे हो? ये झूठ का दिखावा बंद करिए. नंबर सेकंड, आपको डिवोर्स लेना, आपको आजादी है, इसको ग्लोरीफाई मत करिए. द मोमेंट यू ग्लोरीफाई द हीनियस थिंग, और जो आपका एक्ट होता है, जब आपको बच्चे फॉलो करते हैं, तो बच्चों के जहन में ये आती बात कि शादी मजाक है और डिवोर्स बहुत आसान है, बहुत कूल है. क्योंकि आप कोई भी एक्स वाई जी जब ये देता है इंटरव्यू, उसके पीछे का जो मानसिकता होती वो होती है उसकी पब्लिक इमेज, उसका मार्केट. लोग बात करते हैं अपने फाउंडेशन के बारे में, बात करते हैं, लोग बात करते हैं वी आर सो गुड फ्रेंड्स, वो ये बात नहीं करते कि मेरे बच्चे पे क्या बीतेगी. सच्चाई वो है, वो छुपाते हैं. क्यों? बिकॉज स्टेक्स आर सो हाई कि आपको अपनी इमेज को बहुत अच्छा रखना है. हमें साथ रहना नहीं है, लेकिन हमको दिखाना है कि बहुत प्यार है हमको. हिपोक्रेसी है. तो इसके अगेंस्ट भी हमको लॉ चाहिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच को लोग जिस तरह से मिसयूज़ करते हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये लोग हैं. क्योंकि जब भी आप कोई भी बात करते हो, आपकी एक एक बात को बच्चे सुनते हैं, फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ उसको अपने में इम्प्लीमेंट भी करते हैं. तो अगर आप चाहते हो कि इंडिया वैसा देश बन जाए कि शादी करो और छोड़ दो एंड एक पार्टी थ्रो करते हैं कि वी आर फ्रेंड्स, तो फिर हम कहाँ जाएंगे मुझे पता नहीं सर. वो एक सोचने वाली बात है. बिल्कुल सर, इट शोज अ लैक ऑफ सेंसिटिविटी एंड अ लैक ऑफ इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स सोसाइटी. आज आपका डिवोर्स हो रहा है, आज आपके दो लोग जो है वो अलग हो रहे हैं, पहली बात तो आपका बनता नहीं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो. आप जब बोलते हो कि ये मेरे प्राइवेट लाइफ है, तो उसको आप बंद कमरे में ख़त्म करिए. आप बाहर क्यों आ रहे हो? आपको मैसेज देना क्यों है? पहला क्वेश्चन ये कि आप प्रेस करते क्यों, आप ये मैसेज क्यों देते हो? बिकॉज मार्केट में आपके स्पॉन्सर बैठे हैं, आपकी इमेज है ना सर. पानी फाउंडेशन सब कुछ है, लेकिन जो बच्चा है वो कुछ नहीं है. तो ये जब आप इमेज आगे दे रहे हो, इसका जो रेपरकशन आपको अंदाज़ा नहीं है. इंडिया में क्या होता है आजकल फैमिली कोर्ट में, यही होता है, दो कपल्स आते हैं कोर्ट में, खुशी खुशी आते हैं और चले जाते हैं कि वी आर फ्रेंड्स. क्यों? वो इंस्पायर्ड होते हैं इन लोगों से कि डिवोर्स का एक तरीका ये भी है. मैं मानता हूँ अच्छी बात है, आप शांति से करो, लेकिन आप जो मैसेज देते हो, जिस तरह से ग्लोरीफाई करते हो कि इतनी प्यार मोहब्बत है, वो रॉन्ग है. आप वो झूठ, जिस तरह से आप झूठ को परोसते हो और जिस तरह से आप प्यार से उसमें फिल्टर मारते हो, उसका नतीजा ये होगा कि इस देश में फिर शादियां नहीं होंगी, और होंगी तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगी. आप आज की रिपोर्ट देखिए, आज की तारीख में शादियां कितनी चल रही है. जो रेशियो है डिवोर्स का, वो 48% हाइक हुआ है सर लास्ट ईयर में. क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारी सोच चेंज हो रही है, कहीं ना कहीं हम लोग को मैसेज रॉन्ग मिल रहा है, कहीं ना कहीं हम किसी लोगों से इंस्पायर्ड रॉन्ग हो रहे हैं, तो शादी हमारी टूट रही है. वरना इस देश में जब बच्ची जाती थी तो शादी पहुंचे थे, 7 जन्मों का रिश्ता है, चाहे कुछ भी हो जाए वापस आपको तोड़ना नहीं है. तो आजकल सर वो टूटना आसान हो गया. और इंडिया वॉज अ लैंड कि यहाँ पे लोग जोड़ते थे रिश्तों को,
यहाँ पे लोग तोड़ते नहीं हैं, तो वो खराब बात है. वी हैव टू रेक्टिफाई एंड वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉ अगेंस्ट दीज पीपल ऑल्सो जो ऐसी बातें कर जाते हैं और बच जाते हैं. सर लॉ है, अभी भी आई टी एक्ट का लॉ बना है हम लोग के अगेंस्ट में, इन लोग कि आपको क्या बोलना. बट कई बार क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये जो एक ऐसा ब्रॉड वर्ड है कि इसमें आप काफी कुछ खेल जाते हो. ठीक है, आपको आज़ादी है बोलने की, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको आज़ादी दी है, लेकिन साथ ही साथ आपको इट्स नॉट अ एंटाइटल एक्ट, आपको वो भी समझ दिया आपको कितना बोलना है क्या बोलना है. मुझे आज़ादी में आपको गाली नहीं बक पाऊंगा, मुझे पता कि कहाँ कहाँ रोकना है मुझको अपने शब्दों को. तो इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका अंदाज़ा इनको होता नहीं है, और बाद में पब्लिक को बहुत क्वेश्चन मार्क आते हैं. द होल जर्नी हैज़ टू बी क्वेश्चन द होल. अगेन फॉर एग्जाम्पल, मैं टॉपिक को थोड़ा एग्जाम्पल अलग कर रहा हूँ. सोशल मीडिया में जिस तरह के फेक फॉलोअर्स इनके होते हैं, फेक कॉमेंट्स करते हैं ये लोग, तो जो इमेज लेके आते हैं, साइबर सेल और आईटी सेल हैव टू बी रियली स्ट्रिक्ट अगेंस्ट ऑल दी सेलिब्रिटीज टू मेक श्योर एक एक मूवमेंट पे जो है इनकी नज़र होनी चाहिए. बिकॉज 50 मिलियन 100 मिलियन फॉलोअर्स जिसके होते हैं, वो अगर एक बात भी रखता है उस बात की पहुंच और रेंज बहुत आगे जाती है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका लॉ इतना स्ट्रिक्ट है ताकि इनके जहन में डर पैदा हो कि हम क्या बोल रहे हैं. अभी आते हैं कुछ भी बोल के चले जाते हैं, एक बनाए बूमरैंग स्टोरी, जो दिमाग में आया बनाया, शूट किया, पेश कर दिया, पब्लिक वाह कर रही है. नहीं, यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉ. साइबर सेल, आईटी सेल, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है ये. फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तहलका मचा देते हैं लोग. तो आप जब कुछ बोलते हैं, आप जब कुछ पोस्ट करते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो. आप ऐसे बोल के निकल नहीं सकते हो. तो लॉ, आई एम श्योर लॉ हैज टू बी चेंज, लॉ हैज टू बी स्ट्रॉन्ग और एक्शन होने चाहिए, मेरा ये मानना है. सर शर्म वाली बात, अगर मुझे आज भी लगे सर, मैं आज भी अगर बात करता हूँ जात पात के बारे में, मैं आज भी बात कर रहा हूँ, शादी दो लोगों के बीच का एक पर्सनल कमिटमेंट है. आज उनको प्यार है, उनको वो कनेक्ट है, वो देश आपको आज़ादी देता है. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ यू नो, यहाँ पे पूरी आपको आज़ादी है अपने ख्याल को पेश रखने की, आपको आज़ादी है अपने जहन को फॉलो करने की, आपको आज़ादी है जो आप सोचते हो, जिस पर आप यकीन रखते हो, उसको आप पूरे दिल से फॉलो कर सकते हो. तो शादी बहुत ही, इट्स अ ब्यूटिफुल टर्म एंड इंस्टीट्यूशन, और दो लोग को आज़ादी है. बट समाज जो आसपास आपके लोग घूम रहे हैं, वो आपको इस तरह ब्रेन वॉश करते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये इंसान ख़राब है बिकॉज ये इस कास्ट का है. वो आपको ये जो आपको बचपन से जो आपका फाउंडेशन क्रिएट किया गया है स्कूल में, घर में, आसपास के लोगों में, तो वो जब बच्चा बड़ा होता है, जब ये फल पकता है, तब उसको समझ में आता है कि मुझे क्या दिक्कत है. दो लोगों को दिक्कत नहीं शादी करने में, जब ये इंटरकास्ट होते हैं दो फैमिलीज को दिक्कत जाती है, दो परिवार को, मौसा को, मौसी को. ये लोग आपके आके टेबल में आके प्रेशर क्रिएट करते हैं. तो अगेन ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, सिर्फ सोच. आपको वो अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि आपको मुसलमान से या हिंदू से शादी नहीं करनी. कल को मेरी बेटियों की मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, आपको एक अच्छे इंसान से शादी करनी है, वो कोई भी धर्म का हो चलेगा. तो ये सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी. जब तक नहीं करेंगे, ना आप सेफ हो ना मैं सेफ हूँ, चलती रहेगी कहानी ऐसे हमारे साथ.